एल्विश यादव का गाना रिलीज होते ही आए इतने ताबड़तोड़ व्यूज कि उड़ गया बॉलीवुड में बैठे बड़े बड़े दिग्गजों का फ्यूज। हम तो दीवाने गाने ने बनाया दुनिया को एल्विश और उर्वशी की जोड़ी का दीवाना। अब बॉलीवुड में एंट्री लेने को तैयार एल्विश यादव। कोई जल रहा है तो कोई हाथ मल रहा है, लेकिन एल्विश नहीं ले रहे थमने का नाम। बॉलीवुड की कई हसीनाएं तैयार एल्विश के साथ करने को काम। आलिया बोली आई लव यू तो उर्वशी बोली तू मेरा हीरो। अब ऐसे में एल्विश की हर तरफ से लगी लॉटरी, किस किस को प्यार करूं वाला हुआ हाल। एल्विश 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 जहां देखो वहां इस वक्त एल्विश छाए हुए हैं। एल्विश जो भी करते हैं उसका वायरल होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है कि एल्विश अगर छींक भी दे तो वो वायरल हो जाता है। ऐसे में उनका गाना वायरल ना हो ये तो नामुमकिन ही है। हालांकि एल्विश यादव के जितने फैंस हैं उतने ही उनके आलोचक भी हैं, पर क्या ही फर्क पड़ता है, दूसरे की सफलता किसे ही रास आई है। लेकिन आपको बता दे एल्विश इस वक्त उभरती हुई वो सेंसेशन है जिसने बॉलीवुड में पहले से पैर जमाए हुए लोगों को टेंशन में डाल दिया है। देश का बच्चा बच्चा एल्विश की बात कर रहा है तो वहीं बॉलीवुड की हसीनाएं लाइन में लगी हुई है एल्विश के साथ काम करने को। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप खुद ही इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि एल्विश यादव पर उनके चाहने वाले जान छिड़कते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी करते हैं उस पर प्यार की बारिश करने से भी फैंस कभी पीछे नहीं हटते हैं। 14 सितंबर 1947 में जन्मे एल्विश यादव आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर फैंस उन्हें तोहफा दें, उससे पहले ही यूट्यूबर ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। एल्विश यादव का उर्वशी रौतेला के साथ रोमांटिक ट्रैक हम तो दीवाने आउट हो चुका है, जिसने रिलीज के साथ ही यूट्यूब के सारे सिस्टम हिला कर रख दिया है। बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव का उर्वशी रौतेला के साथ वाला गाना हम तो दीवाने रिलीज हो चुका है। पहली बार दोनों की जोड़ी फैंस को देखने को मिली है। शो की ट्रॉफी जीतने के बाद वैक टू वैक प्रोजेक्ट के चलते देसी मुंडा छाया हुआ है। उर्वशी रौतेला के साथ एल्विश यादव का रोमांटिक गाना आते ही छा गया है। महज 2 घंटे के अंदर 1.3 मिलियन व्यूज पार हो चुके हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं एल्विश उर्वशी का लेटेस्ट सॉन्ग। हम तो दीवाने गाने को यासीर देसाई ने गाया है जबकि कंपोजर रजत नागपाल है। गाने की बोल राणा सोतल ने लिखे हैं। ये एक रोमांटिक गाना है जिसमें एल्विश और उर्वशी पर कपल की लव स्टोरी बया की गई है। एल्विश की लोकप्रियता का फायदा इस गाने को भी मिला है। महज 2 घंटे में 1.3 मिलियन व्यूज पार हो गए हैं। एल्विश यादव के गाने हम तो दीवाने की शुरुआत उनके देसी अंदाज से होती है जहां वह अपने पॉपुलर डायलॉग सिस्टम का जिक्र करते हैं। फिर एंट्री होती है उर्वशी रौतेला की जिन्हें देखते ही वह फ्लैट हो जाते हैं। एल्विश का हरियाणवी और देसी अंदाज भी इस गाने में देखने को मिला है। कामकाज के साथ साथ एल्विश यादव अपने दुबई वाले घर को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल में ही उन्होंने 8 करोड़ रुपए का दुबई में आलीशान घर खरीदा है। राव साहब का ये घर खूब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। घर के कई वीडियोस भी देखने को मिले हैं। वहीं प्यार करने वालों के साथ साथ लिस्ट में उनके हेटर्स भी शामिल है। हाल ही में आसिम रियाज का वीडियो उनके कॉन्सर्ट से वायरल हुआ था। कॉन्सर्ट के दौरान आसिम रियाज ने खुलेआम कहा कि बिग बॉस में उनकी या सिद्धार्थ शुक्ला की जगह कोई आकर नहीं ले सकता। बता दे कि बिग बॉस 13 एक हिट सीजन था और इसे सबसे ज्यादा टीआरपी मिली थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने शो जीता था और आसिम रियाज फर्स्ट रनर अप बने थे। वीडियो में आसिम एक तरह से बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव पर निशाना साध रहे थे। आपको बता दे कि मसला कुछ यूं था कि जब आसिम ने उनके और सिद्धार्थ के बारे में बात की तो भीड़ एल्विश का नाम लेने लगी। इसके बाद आसिम ने कहा कि वह लाइव आकर अपने नंबर और फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं। इतना कहने के बाद आसिम ने मिडल फिंगर भी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंफोडेस्क 24।